वैसे ये शर्ट अच्छी लग रही है आप पर। थैंक यू। कैसी तबीयत है आपकी? जी बेहतर है। गुड नाइट। गुड नाइट। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मैं आपको कैसी लगती हूँ? ये कैसा सवाल? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप क्यों इंकार कर रहे हैं सफीर? मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत से काम करने हैं मुझे। तो सफीर मैं कब मना कर रही हूँ? मैं तो बल्कि आपका साथ दूंगी, आपकी मदद करूंगी। देखें, मैं लड़की होकर शादी की बात कर रही हूँ। लड़कियाँ इस मामले में बहुत हसास होती हैं। मुझे भी हौसला तब आया जब मैंने सोचा कि आप ये चोट खा चुके हैं, तो आप मेरे दर्द को समझेंगे, मेरी तकलीफ का एहसास करेंगे। क्या हुआ सफीर, आप खुश नहीं लग रहे? नहीं, कोई ऐसी बात सफीर, मैं जानती हूँ आप अंकल आंटी और घर के मसलों को लेकर थोड़े परेशान हैं, पर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके साथ। अच्छा, और क्या क्या ख्वाहिशात हैं आपकी? आपकी बहुत अच्छी सी जॉब और आपकी सैलरी लाखों में हो, डिफेंस में अपना घर, एक बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, हर साल वर्ल्ड टूर, ज्वेलरी वगैरह। हाँ, पर ये सब तो नहीं है ना मेरे पास। उधर तो क्या सफीर, सब आ जाएगा। कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी सब? अरे मैं बहुत लकी, मैं कह रही हूँ ना, सब भी आ जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही थी हानिया और क्या नाम है उसका, रिजवान के साथ? मैंने ऐसा क्या कहा सफीर? उजाला बनो मत यार, ये झूठ बोलना, शो मारना और खुद को बड़ा चढ़ा के दिखाना क्या था ये? मैं आप ही की इज्जत रख रही थी सफीर। मुझे वाकई नहीं पता क्या बात सफीर। आपकी वो घटिया जॉब, मैं बताती हूँ कि सफीर शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे। भाई, सफीर को नौकरी से निकाल दिया गया है,